वन नेशन वन चार्जर है ना, कमाल की बात। दरअसल में इंडिया ने कुछ ही टाइम पहले इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। अगर ये पॉलिसी इफेक्टिव होती है तो बहुत सारी चीजों को हम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे बेसिक से अगर शुरुआत करें कि जैसे हम किसी को पूछते हैं भाई चार्जर है क्या, और सामने वाला सीधा मना कर देता है। ऊपर से भी अगर आपके पास आईफोन है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट की अगर माने जितने भी अर्बन होम होते हैं उनके पास 12 से 14 इतने यूज्ड या फिर अनयूज्ड जो चार्जर होते ही हर घर में। उससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाती है और ई वेस्ट प्रोड्यूस करती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा है सिंगल चार्जर पॉलिसी फॉर एंटायर कंट्री। इससे होगा क्या कि आपके पास जो मर्जी का फोन हो, जो मर्जी का लैपटॉप हो, टैबलेट हो या फिर वॉचेस हो, जो भी रिचार्ज होते हैं वो सारे गैजेट्स एक ही चार्जर से आप उन्हें चार्ज कर पाएंगे, है ना कमाल की बात। और सुनते हैं, इंडिया सिर्फ अकेली कंट्री नहीं है जो इसके ऊपर बात कर रही है, सोच रही है। यूरोपियन कंट्री ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इससे बेनिफिट क्या होंगे सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आप और हमको जो बेनिफिट हो सकता है, सबसे पहले जो हम रिड्यूस कर सकते हैं ई वेस्ट को, उसको हम कम कर सकते हैं। 10 से 12 जहां चार्जर हमारे घर में पड़े हुए हैं जो कुछ काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह एक ही चार्जर होगा। दूसरी अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरर वोंट हैव टू पैक न्यू चार्जर, हर बार उसको आपके लिए एक नया चार्जर बनाना नहीं पड़ेगा। और उससे क्या होगा, आप अपनी कॉस्ट जो आपको फोन पड़ेगा, जो आपको गैजेट पड़ेगा, वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ सकता है क्योंकि आपको हर बार चार्जर लेने की जरूरत भी नहीं है। इसके साथ आप कुछ पैसे भी सेव कर पाएंगे, ये हमको होगा बेनिफिट एज ए कस्टमर। आगे अगर हम बात कर रहे हैं, दरअसल में कंट्री ऐसा कर क्यों रही है, यूरोपियन कंट्री काम कर रही है इसके ऊपर और हम काम कर रहे हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रही है। इसके पीछे का मकसद ये है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये अपना जो यूज्ड प्रोडक्ट है, यूज्ड चार्जर है, ये उसको रिफर्बिश करके, उसको रिसाइकिल करके डेवलपिंग कंट्रीज में डंप कर रही है। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये अपने वेस्ट को थोड़ा सा ठीक करके, रिसाइकिल करके डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक घाना, नाइजीरिया, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, वहाँ डंप कर रही है। थोड़ा सा ठीक किया, उसको यहाँ पर बेच दिया, फिर क्या किया, कुछ टाइम यहाँ चलता है इंडिया में और वो वापस से खराब हो जाता है। उससे क्या होता है, ई वेस्ट डंप होते जा रहा है बहुत सारे, पिछले कुछ सालों में परसेंटेज इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने चीज़ निकाला है सिंगल चार्जर सिंगल पॉलिसी के थ्रू। क्या कर पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे रिफर्बिश्ड गुड्स को एंड उसके बाद रिड्यूस कर पाएंगे ग्लोबल ई वेस्ट को। ये जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये अगर हम इनके, ये अपना वेस्ट को हम तक चिपकाना चाह रहा है, अगर हमारे पास ही ऐसा एक प्रोडक्ट आ जाए जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके बाद हमें बाकी चार्जर की, तो इससे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिसी इफेक्टिव होगी या फिर इससे बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।